हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैं जीएसईआर 9 और 9 सी के कुछ पॉइंटर्स के लिए बना रही हूँ। कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो मैंने कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा कि कुछ कुछ लोगों को डाउट है। एंड शॉर्टकट, जैसे आप 9 सी फाइल कर पाओ, शॉर्टकट इन द सेंस कि जब हम अपलोड करते हैं 9 सी की जैसन फाइल तो काफी एरर्स आते हैं यूटिलिटी के, तो कुछ हद तक वो चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जो एरर्स है बार बार अपलोड करके फिर जनरेट करना एरर फाइल 20 मिनट लगते हैं, तो ये टाइम आपका कम हो सकता है। जब मैंने फाइल करा, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले 9 के कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। 9 जब हम भरते हैं तो बेसिकली टेबल नंबर 4 में आपको अब तक पता चल ही गया है कि यहाँ से टर्नओवर की इंफॉर्मेशन देना है, भले ही वो B2C की हो, B2B की हो, जीरो रेटेड हो, आपने एडवांस बेसिस पे GST जमा किया हो, RCM है, एग्जेम्प्टेड है, आपकी निल रेटेड है, एग्जेम्प्टेड जीरो रेटेड मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपने करा है, एंड उन्हीं सबके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ये सारी चीजें टेबल नंबर 4 और 5 में कवर होती है। और उसी का ही जो टोटल है वो हमारे 5N का पार्ट होता है, टोटल टर्नओवर। तो अगर आपके कोई भी ऐसे टर्नओवर आपने इंक्रीज नहीं किया या डिक्रीज नहीं किया है जो कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न में बताया है, तो आपका 5N ही टोटल टर्नओवर ही आपकी बुक से मैच करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जो फर्दर 10-11 वाला टेबल है जिसमें मैं अभी आपको बताती हूँ। 10-11 मतलब ये वाला 10-11 मतलब कि पॉइंट नंबर 5, ये वो टेबल है जिसमें जो भी टर्नओवर या ITC हमने इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, बट कौन सी रिटर्न्स में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न में, पर वो किससे पर्टेन करती है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 से, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ 10-11-12-13 में जाती है। तो अभी मैं आपको सिर्फ टर्नओवर के बारे में बता रही हूँ, तो टर्नओवर 10 और 11 में है। 10 मतलब जिसमें आपने टर्नओवर इंक्रीज किया हो, 11 जिसमें आपने रिड्यूस किया हो। तो अगर आपने हम टर्नओवर की बात करें तो टोटल टर्नओवर, अगर आपका कोई ऐसा टर्नओवर है जो कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न में डिस्क्लोज किया है या रिड्यूस किया है, तो वो 10-11 में आएगा। उसके बाद आपका जो टोटल टर्नओवर, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, वो टोटल टर्नओवर ही आपकी बुक से मैच करेगा। 5N+10-11, तो आपका ये होगा टोटल टर्नओवर जो आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करेगा। अब हम ITC की अगर बात करें तो ITC टेबल नंबर 6 से स्टार्ट होता है। टेबल नंबर 6 में 3B से ऑटो पॉपुलेट होता है फिगर सबसे पहले, बट यहाँ पर भी जो 3B से ऑटो पॉपुलेट होता है ये वो वाला फिगर है जो कि 3B के टेबल नंबर 4A से ऑटो पॉपुलेट हुआ है। ना इसमें रिवर्सल की एंट्रीज हैं, ना ही इसमें कोई इनएलिजिबल क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है, तो ये वो वाला है जो 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर ऑटोमेटिकली टेबल नंबर 4A में आता है ITC का अमाउंट। तो यहाँ रिवर्सल फिगर माइनस नहीं, अगर आपने ड्यूरिंग ईयर कोई भी टेम्पररी या परमानेंट रिवर्सल किया होगा तो वो इसमें इफेक्ट में नहीं आया है, कौन से ए वाले पॉइंट में जो अमाउंट दिख रहा है। अब बी वाले पॉइंट में आपको बुक्स के हिसाब से ITC बताना है कि कितना इनपुट है, कितना कैपिटल गुड्स है और कितना इनपुट सर्विस के ऊपर ITC है, ये आपकी बुक से मैच करना चाहिए। वैसे ही RCM भी आपकी बुक से मैच करना चाहिए। सी पॉइंट में, डी पॉइंट में अगर आपने ऐसे कोई इनवर्ट अप्लाई किया जो कि रजिस्टर्ड पर्सन से और उसमें RCM अप्लाई होता है तो वो आप डी पॉइंट में बताएंगे, और ई में इम्पोर्ट, ये सारी चीजें देखेंगे। तो एच हमारा, एच नहीं सॉरी, आई हमारा होता है सब टोटल ITC जो कि हमारी बुक से मैच करेगा। बुक्स कौन सी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ए को कंपेयर किया जा रहा है आई से, डिफरेंस अमाउंट। अब ये जो डिफरेंस अमाउंट है, इस डिफरेंस अमाउंट में फाइनेंशियल ईयर 21-22 के आपने कोई ITC डिस्क्लोज करे होंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में वो भी इंक्लूड होगा। एक रिवर्सल के वजह से ये डिफरेंस आ सकता है, तो ये दो पॉइंट के कारण आपका ये डिफरेंस आएगा, एक तो टेम्पररी रिवर्सल और आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 के कारण।
अब काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि टेम्पररी रिवर्सल के हमें कहाँ बताना है, तो टेम्पररी रिवर्सल हमारा सिर्फ 3B का पार्ट है। 3B में ऑटो पॉपुलेट होता है 2B से ITC, और फिर हम टेम्पररी रिवर्सल करते हैं 4B2 में। 3B के ही 4B2 में हम टेम्पररी रिवर्सल करते हैं, फिर उसके बाद नेट आता है ITC जो कि हम क्लेम कर रहे हैं एज पर बुक्स। तो बुक्स में जब वो रिवर्सल नहीं हो रहा है टेम्पररी, इसलिए यहां पर कहीं पे भी वो कवर नहीं होगा। टेबल नंबर 7 की बात करें तो ये आईटीसी रिवर्स की बात करता है। तो ये रिवर्स कौन सी बात करता है, जो आपने बुक्स में रिवर्स कराओ एज पर रूल 37, 39, 42, 43 या 75। अगर आपने बुक्स में स्पेसिफिकली शो किया है रिवर्सल, तो आप इस टेबल नंबर 7 में फिल करेंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आपने बुक्स के हिसाब से आईटीसी बताया है और आप यहाँ रिवर्सल बताएंगे, तो वो माइनस होगा और फिर नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन आएगा। तो अगर आपने बुक्स में कोई रिवर्सल किया है तभी आप बताएं, क्योंकि नेट अमाउंट जो यहाँ पर जे पॉइंट में आ रहा है ये भी आपकी बुक से मैच करना जरूरी है, वरना 9C में आपको प्रॉब्लम आएगी। 8 की बात करें तो 8 तो 2A से कंपेयर करने की बातें हैं कि 2A में कितना ITC दिख रहा है, आपने बुक्स में कितना क्लेम किया है, और उसके बाद जो डिफरेंसेस है वो इनएलिजिबल है या एलिजिबल है, और लैप्स कितना हो रहा है। फिर 9 में आता है डिटेल ऑफ टैक्स पेड, जो कि टैक्स पेबल वाला जो शेड्यूल है वो इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद एक एचएसएन का टेबल है जो कि इम्पोर्टेंट है, 17th वाला। तो ये हमारे 9 की बात हो गई। अब मैं आपको 9C में ले चलती हूँ। 9C के जो पॉइंटर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे आपकी जो प्राइमा फेसिया गलती ना हो जब आप अपलोड कर रहे हो, तो सबसे पहले टेबल नंबर 5 आता है। टेबल नंबर 5 में हमें टर्नओवर की फिगर डालनी पड़ती है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वाली तो फिगर आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाल देंगे, फिर ये सारी चीजें अगर हो तो आप डालें। ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। इसलिए क्यू में टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, ये आपको बताना है, जो एनुअल रिटर्न में आपने डिक्लेयर किया है। एनुअल रिटर्न कौन सी, GSTN 9। तो ये वाला फिगर आपको कहाँ, आप कहाँ से लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया टेबल नंबर 10 और 11 के बाद भी एक टोटल टर्नओवर का कैलकुलेशन होता है, वो वाला आपको कंसिडर करना है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वीडियो में आप देख सकते हैं। 10 11 को कंसिडर करने के बाद जो टर्नओवर है 7558828870, ये ही आपको 9 में लिखना है। कहाँ पर, टेबल 5 के क्यू पॉइंट में। ध्यान रखिए पॉइंट टू पॉइंट का फर्क होगा तो आपको एरर तुरंत आएगा, तो आप पॉइंट का बहुत ध्यान रखें। और जो भी डिफरेंस आ रहा है इसके बाद भी ऑडिटेड फाइनेंशियल के टर्नओवर और आपके GSTN 9 में जो डिक्लेयर किया है, तो वो आपको जस्टिफाई करना होगा नेक्स्ट टेबल नंबर 6 में। इसमें आपका क्यों आ सकता है डिफरेंस, जैसे डिस्काउंट की वजह से, इंटरेस्ट ऑन FDR के कारण, इनकम टैक्स रिफंड, ऐसी कोई अदर इनकम जो कि GST में कवर्ड नहीं है उसके हिसाब से जरूर आ सकता है, जो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 9C का जो है वो रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर की बात कर रहा है। अभी हमने टेबल नंबर 5 में टोटल टर्नओवर देखा, टोटल टर्नओवर ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा ए में, उसमें से आपको एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन GST टर्नओवर, ये सारी चीजें बतानी है, जीरो रेटेड बतानी है, कोई ऐसा टर्नओवर है जिसमें रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज से पे करेगा तो वो बताना है। जैसे आप ये सारे कॉलम फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल टर्नओवर आ जाएगा। अब बात ये उठती है कि ये आप कहाँ से लेंगे, तो ये आपकी बुक से आपको लेना जरूरी है। बुक से आप लेंगे तो बेशक ये आपके 9 से भी मैच होना चाहिए। 9 के आप कहाँ से मैच करेंगे, तो 9 में F टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 जो है वो आपका एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड है। तो टेबल नंबर 5 में GSTN 9 के आप देख सकते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड,
ये सारी चीजें आती है, तो आपको यहीं से ही फिल करना है और बुक से भी ये मैच होना चाहिए। फिर आता है टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। यहाँ पर कहाँ से आप फिल करेंगे, तो यहाँ आपको टेबल आपको GSTN 9 में जाना है। 9 में जैसे मैंने आपको बताया 10-11 के बाद जो टोटल टर्नओवर का कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर जो ये 7558828870 है, इसमें से आप एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड जीरो रेटेड ये सब माइनस कर देंगे और यही वाला फिगर लेना है। इसका मतलब ये है कि जो टेबल नंबर 4 में आपने डिस्क्लोज किया है, टेबल नंबर 4 क्या है, टैक्सेबल टर्नओवर की जानकारी है। टेबल नंबर 4 में जो आपने यहाँ पर टर्नओवर बताया है उसी का ही, उसमें से जो टर्नओवर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न में डिस्क्लोज किया उसका इफेक्ट लेके आपको दिखाना है। अगर इसमें आपको दिक्कत आती है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल साथ ये है कि 10-11 के बाद जो टोटल टर्नओवर का कैलकुलेशन है उसमें से आप एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड माइनस करें और 9 में फिल कर दे, कहाँ, एफ पॉइंट में, टेबल नंबर 7 के एफ पॉइंट में। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो अगेन सेम डिफरेंस होगा जो कि हमने टेबल नंबर 6 में डाला है, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर 9 की मैं बात करती हूँ। 9 है टेबल नंबर रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयर ऑन। मतलब कि आपकी जो लाइबिलिटी, अभी हमने टैक्सेबल टर्नओवर की बात करी, वो के उसमें कौन कौन से रेट इन्वॉल्व है, 5%, 12%, 8%, उसका टैक्सेबल वैल्यू और CGST, SGST, IGST, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके बतानी है रेट वाइज। ये भी सिर्फ टर्नओवर की बात करें। यहाँ पर आप ध्यान रखें इंटरेस्ट का फिगर भी आप डालें, आपको डालना प्रॉपरली है। CGST का इंटरेस्ट कितना है, SGST का इंटरेस्ट कितना है और IGST का इंटरेस्ट कितना है। अब आपको डाउट ये होगा कि हम कहाँ से लेंगे, तो जो GST 3B की जो समरी आपने डाउनलोड की थी 9 फाइल करते टाइम, वहां से आपको ये ब्रेकअप है वो पिक करना है, कौन सा है, इंटरेस्ट का। वहां लेट फीस भी जरूर होगी, बट लेट फीस मत डालिएगा, आप डालोगे तो वो एरर जनरेट करेगा, तो लेट फीस 0 ही रखिएगा, भले आपने लेट फीस पे भी करी हो। मैं ये आप ही के लिए वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रही हूँ। आप डालोगे फिर से एरर जनरेट होगा, उससे बेटर है आप मत डालिए। इंटरेस्ट को बाइफकेट करिए प्रॉपरली। अब दूसरी बात ये आती है कि आप यहाँ पर बाइफकेशन कर देंगे पूरा बुक्स के हिसाब से, 5% का कितना टर्नओवर है, 6% का कितना, 12% का कितना, 18, 28, एवरीथिंग। इम्पॉर्टेंट बात है क्यू, क्यू में आपको अगेन GSTN 9 में आपने क्या डिक्लेयर किया ये बताना जरूरी है। तो ये कहाँ से लेना है, ये आपको लेना है, ये आपको लेना है टेबल नंबर 9 से। टेबल नंबर 9 आप देख रहे हैं GSTN 9 का, ये है डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसमें से भी जो टैक्स पेबल वाला कॉलम है, कॉलम नंबर 2, इसमें जो IGST, CGST और SGST दिख रहा है आपको, ये सिर्फ 3 फिगर ही वहां डालने हैं। और इसमें आपको बस इफेक्ट क्या डालना है, अगर आपने 10 और 11 में कुछ CGST, SGST, IGST डाला है तो उसका इफेक्ट डाल के, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, IGST में टैक्स पेबल कितना है, 313,38,241, और यहाँ पर 11 में हमने रिड्यूस किया है कितनी लाइबिलिटी, 7023 की। तो ऊपर जो टैक्स पेबल वाला अमाउंट है इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमने रिड्यूस किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। जब आप ये वाला फिगर डालेंगे, ध्यान रखें आप ये 10-11 वाला जो फिगर है इसका इफेक्ट आप इफेक्ट लेके ही डालें, कहाँ पर, क्यू में, टेबल नंबर 9 के क्यू में, और लेट फीस 0 कर दें, होगी भी तो 0 कर दें। अब बात आती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने ब्रेकअप बता दिया, अब क्यू में आप इंटरेस्ट इंक्लूड मत करिएगा, ये तो एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया ना, 9 टेबल नंबर 9 के ABC, बस ABC को ही लेना है, E को नहीं लेना, ABC को ले लिया उसके बाद आपका ये अनरिकनसाइल्ड आ जाएगा, कौन सा, इंटरेस्ट का। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे अनरिकनसाइल्ड पेमेंट में मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट ही सेम आ रहा है अनरिकनसाइल्ड, उसको आप रीजन बता दे 10 में कि इंटरेस्ट अमाउंट इज पेड इन रिटर्न। सॉरी सॉरी
तो 9, टेबल नंबर 9 भी आपको क्लियर है। अनरिकंसाइल्ड कौन सा फिगर होगा? सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट। क्यू में आप इंटरेस्ट वाला अमाउंट मत डालिएगा, क्यू में सिर्फ जीएसटी या 9 से टेबल नंबर 9 के एबीसी को लेना है। मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ जैसे आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, अगर ऐसे कोई रीज है अमाउंट जो कि आपने अभी तक पे नहीं किया है तो आपको यहाँ पर वो बताना है। नेक्स्ट जो है वो है रिकंसिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगेन आपको ए में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना है ये अमाउंट कि कितना हमारा आईटीसी है बुक्स में। अब ने ई में आपको फिर बी में आपको बताना है आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई अर्लियर फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी थे आपने बुक किया था बट आपने क्लेम कब किया करेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर हो सकता है 21-22 के फिगर्स आप यहाँ पर बताएं अगर आपके केस में है। वैसे ही सी में आपको बताना है आईटीसी बुक्ड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। बुक्ड मतलब बुक्स में तो आपने बुक कर लिया है बट आप रिटर्न में कब शो कर रहे हैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो वो आप सी में बताएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का आईटीसी है बट आपने कब शो किया? 23-24 में। वैसे ही डी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अब आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न GSTN 9, ये वाला अमाउंट आपको GSTN 9 से पिक करना है। टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6, सॉरी 6 से 6 के आई। अगर आपने कुछ जेके में डाला है फिगर तो आप ओ पुट करेंगे टोटल आईटीसी अवेल्ड वाला। एंड अगर आपने कुछ रिवर्सल भी पुट करे हैं तो आपको जे वाला लेना है। तो अल्टीमेटली आप ये याद रखें कि आपको टेबल नंबर 7 का जे वाला जो अमाउंट है इन तीनों को ऐड करके यहाँ पर पुट करना है। अगर इनमें से कुछ डिफरेंस है तो अगेन आपको 13 में उसको एक्सप्लेन करना है। वैसे ही 14th जो है, 14th है आपको एक्सपेंस वाइज बताना है कि किस एक्सपेंस में कितना आईटीसी था और आपने उसमें से कितना अवेल करा है। परचेज, फ्रेट, पावर, फ्यूल, रॉयल्टी, सैलरी, काफी लोग अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हैं तो आप देख लीजिए ये आप करना है। आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न अगेन आपको टेबल नंबर 7 के जे से लेना है। कोई डिफरेंस है तो रीजन आप मेंशन करें टेबल नंबर 15 में। अब लास्ट टेबल है टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी। अगर कोई डिफरेंस है आपका अनरिकंसाइल्ड आईटीसी है तो उसमें टैक्स पेबल बनता है, उसकी डिटेल आपको यहाँ बतानी है। तो लास्ट है एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन। कुछ रिकंसिलेशन नहीं हो पा रहा है आपका, उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड लेट फीस, तो वो आपको यहाँ बताएंगे। तो ये आपका 9C है, इससे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए उसका आप ध्यान रखें जैसे एरर ना जनरेट हो, और एरर अगर जनरेट हो रहा है तो वो आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं 9 और 9C के लिए, तो जो भी डाउट है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।